नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। लगातार आपको जनता के बीच ला रहे हैं, उनसे मुलाकात करवा रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं जो डेरा सच्चा सौदा से काफ़ी ही समय से जुड़े हुए हैं, जिनका बचपन यहाँ बीता है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा कमलेश इंसा, मैं श्री जलाना साहब ब्लॉक की हूँ और क्यों वाली गाँव है मेरा। और हम शुरू से हमारे माँ बाप का नाम लिया हुआ था मस्ताना जी से, और हमें तीन पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। और मैंने भी नाम लिया है 97-98 में, और मैं भी सेवा पर आ रही हूँ। यहाँ पे ग्रीनेस की मेंबर हूँ और यहाँ मेरी मेन गेट पर बहनों वाले पर मेरी सेवा है, और मैं बहुत साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरे कई ऑपरेशन भी हुए हैं, पिताजी ने बहुत ठीक किया है। मेरे को खून भी 3 ग्राम रह गया था मेरे में, और मैं अब अच्छी तरह से हूँ। जब पिताजी गए तो मैं मर चुकी थी, और मैं अपने पिताजी का स्मरण किया और मैंने पिताजी से भरोसा रखा। तो मैं अब आज मेरे ये देखो गले का भी ऑपरेशन हुआ है, 12 टांके आई है, और मेरे बच्चादानी का भी ऑपरेशन हुआ है, और मैंने बहुत से ऑपरेशन हुआ है। मैं मर मर के बच जाती हूँ, पिताजी बचाते हैं मेरे को। इतना भरोसा है जो पिताजी हमारे को कहीं में हमारे को कांटा भी नहीं लगने देते। 4 साल पहले मीडिया ने लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ बहुत अच्छी सुरक्षा है लड़कियों के लिए, और बहनों को इधर रखा जाता है, भाइयों को इधर रखा जाता है, और खाने पीने का भी अलग व्यवस्था है, रहने का भी, सोने का भी। लड़कियों का बहुत अच्छी सुरक्षा है यहाँ पे। और आपकी खुद की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आए हैं? कुछ गुरुजी की शिक्षाओं से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं? हाँ, हमारी शिक्षा गुरुजी से हमें, जैसे हमारे घर वाले, जैसे मेरी शादी हुई तो वहाँ खाने पीने वाले थे, शराब पीते थे और मीट अंडा भी खाते थे, और वहाँ हमारे परिवार देवर जेठ सब खाते पीते थे, और हम मस्ताना जी पिताजी के सेवादार थे हमारे माँ बाप। तो मैं वहाँ से जन्म लिया था, हमारी माँ का हमारे पिता का ऐसा ही शिक्षा थी भी बेटा अपने सच्चाई के रास्ते पर चलना, और सच्चाई ही सच बोलना, और सच खाना पीना, सच रहना,